तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप, हमारी सहयोगी नेहा बातम हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अभूतपूर्व परिस्थितियों का सामना हमने, आपने, सबने, पूरे देश ने किया था। कोविड-19 2020 एक ऐसा साल रहा जब लॉकडाउन की वजह से पूरी गतिविधियां रुकी हुई थी। इन सब के बीच देश की अर्थव्यवस्था ने भारी चोट सही है। अब यहां से रास्ता क्या बेहतरी का, नौकरियों का, कृषि क्षेत्र में बेहतरी का, ये सब कुछ निकलेगा इस बड़ी चुनौती के साथ। बजट का पटारा लिए 11 बजे निर्मला सीतारमण क्या रखेंगी देश के सामने, इस पर रहेगी हमारी नजर। नॉनस्टॉप कवरेज आप देख रहे हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन नेहा, इस सरकार और सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं इस बार, उन सब पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस बार पूरे देश की नजर है कि क्या अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि देश और राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द बड़ी चर्चा होती है, लेकिन असल मसला जब आता है तो जेब पर पहुंचता है और नौकरी पर। जफर इस्लाम साहब, ब्रेक पर जाने से पहले रोजगार बढ़ने की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि आने वाले वक्त में ये जो सेक्टर है, खासतौर पर नौकरियों को लेकर जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, वो बेहतरी की ओर बढ़ेंगे। लेकिन जफर इस्लाम साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि जो 11% ग्रोथ रेट की बात इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में की गई है, कैसे हासिल होगा ये? क्योंकि सबके मन में सवाल है कि डबल डिजिट ग्रोथ रेट अगर आपने प्रिडिक्ट किया है तो उसका आधार क्या है? और जिन रोजगार की आप बात कर रहे हैं, कई तो ऐसे सेक्टर्स हैं जो पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, सिक यूनिट्स डिक्लेयर हो चुके हैं, होटल्स बंद हो गए, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, कई ऐसे कारोबार हैं जहां पर पूरी तरीके से इस वक्त झाड़ू चल चुकी है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाई फ्रिक्वेंसी डेटा जो है वो एक आपको डायरेक्शन देता है। अब हाई फ्रिक्वेंसी डेटा को जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको देखेंगे कि काफ़ी ग्रोथ मोमेंटम है उसमें, और ख़ास कर अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अगर माप करने का मापदंड का कोई तरीका है तो वो डेटा होता है कि कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। तो अगर आप देखिए कि जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद जो है बिल्कुल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कई सेक्टर में ज़ीरो हो गई थी, और उसके डिमांड उसी हिसाब से, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हो, पावर डिमांड हो, और या आपका फ्यूल डिमांड हो, या फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें जो उस पर उस डेटा में आती हैं, वो सारी जो है डिमांड ख़त्म हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई, उसी हिसाब से वो डिमांड भी बढ़ते गए, और आप तेज़ी से डिमांड बढ़ रहा है, और उसको अगर आप देखें, एनालाइज कीजिएगा, तो आपको बिल्कुल जो ऐसे आपको ऐसे दिखेगा कि डिमांड ज़ीरो हुई थी, फिर वापस डिमांड बढ़ी, उसी को बोलते हैं वी टाइप रिकवरी। तो वो वी टाइप रिकवरी बहुत एविडेंट है, वो आंकड़े आपके सामने हैं, और उससे जब आप ग्रोथ मोमेंटम जब जो आप देखते हैं तो लगता है कि 11% थोड़ा बेस इफेक्ट का भी फायदा है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर जो कंट्रैक्शन हुआ है, कंट्रैक्शन के बाद जब अगर आप इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो थोड़ा बेस इफेक्ट का भी फायदा है, इसलिए 11%। लेकिन आगे के लिए फोरकास्ट जो किया है जो इकोनॉमिक सर्वे में 7% का फोरकास्ट किया है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से सरकार ने इस पूरे महामारी के समय में जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स किया है, उसका जो है फ़ायदा आपको दिख रहा है। ख़ासकर अगर आपको मैं कहना चाहूँ कि जब पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में जिस तरह की मंदी थी, और जिस तरह की मंदी आज भी देखी जा रही है, और हम उससे वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू हो गया है, और हमारे यहाँ जो महामारी का जो इम्पैक्ट है वो भी कम होता जा रहा है, और साथ साथ सेक्टर्स जो है जो इम्पैक्ट हुए थे, इम्पैक्टेड सेक्टर्स है, उसको भी बजट में थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना है। और साथ साथ शर्मा जी, जो अभूतपूर्व परिस्थितियाँ थी कोविड की, उसका थोड़ा तो डिस्काउंट दीजिएगा ना इस्लाम साहब को। देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कोरोना की जो भी परिस्थितियां हैं वो अभूतपूर्व रही हैं। लेकिन शायद जफर भाई को ये नहीं पता कि 2019 और 20 में जब अभूतपूर्व परिस्थितियां नहीं थी तो ग्रोथ रेट पिछले 11 साल का लोएस्ट था, 4% था। अब वो 4 से 11 कैसे होगा, 11 कह दीजिए, 12 कह दीजिए, कौन से पैसे लग रहे हैं, 13 कह दीजिए, घर की खेती है। जो सरकार इकोनॉमिक सर्वे 4 पन्नों में छापती हो, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ हो, और वो भी एक थ्योरेटिकल डॉक्यूमेंट हो, इकोनॉमिक सर्वे हमेशा प्रैक्टिकल और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे होता है, आज वो ही जब हटा दिया है सरकार ने तो 11% घर की खेती कह रहे हैं, खेती के नाम से ही सही है, जफर इस्लाम साहब को पसीना आने लगता है। नहीं, एक चीज और है, किसान अभी भी बैठे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर। अंजना जी, पिछले 6 महीने में, एक मिनट जफर भाई, पिछले 6 महीने में रुपए की वैल्यू डॉलर की तुलना में 11% गिरी है, बेरोजगारी हाईएस्ट है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट नेगेटिव है, केवल प्राइमरी सेक्टर पॉजिटिव में है लेकिन उसमें भी माइनिंग डाउन है। जिस तरह से इनइक्वालिटी बढ़ी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी डिस्पैरिटी बढ़ी है, उसको कैसे करेंगे? मुझे एक चीज याद आ रही है आज तक के यहां पर देखने से, वैक्सीन शब्द से
मोदी जी ने पहले भाषण में कहा था कि कुछ कड़वी दवाइयां लेनी पड़ेंगी, और फिर वो भैंस वाले मोटे मोटे इंजेक्शन जनता को जो लगाए हैं आप लोगों ने कड़वी दवाई के नाम पर, कि जनता त्राहिमाम कर रही है पूरी तरह से। कौन से इंजेक्शन की बात? देखिए आप सारे टैक्स देखिए, पहली बार हुआ हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कि जीएसटी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स पे 5% से 18% तक लगा दिए आप लोगों ने। आप बताइए इनपुट कॉस्ट एग्रीकल्चर की आपने बढ़ा दी। आप बताइए कि किस तरह से, कौन सा सेक्टर ऐसा है जिससे परचेजिंग पावर आपकी बढ़ेगी। टर्शरी सेक्टर फ्लॉप हुआ पड़ा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो सेकेंडरी सेक्टर है वो नेगेटिव में चल रहा है, कंपनियां बेच रहे हैं। आप जब 19-20 में कोरोना नहीं था ग्रोथ रेट 4% था, अब 11% कैसे होगा? फ्री वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं आप लोग, चाइना हमारे बॉर्डर पर कब्जा करके बैठा है। आपको चाइना को भी आज ही डिस्कस कर लेते हैं, डिफेंस बजट पर, ठीक है, डिफेंस बजट पर लेते हैं। मैम अगर चाइना बॉर्डर पर बैठेगा तो डिफेंस बजट को ख्याल करना पड़ेगा। जवाब दीजिए सैयद जफर साहब, मुझे पता है, देखिए पेट्रोल डीजल की आप बात नहीं करेंगे, लेकिन आप भी बैठे होंगे कहीं आंदोलन में, जब कांग्रेस के दौरान अगर 60-70 तक कीमत पहुंचती थी तब आप लोग बैठ जाते थे आंदोलन पर, कहते थे देखिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन जो टैक्सेशन है 69% अगर आप पेट्रोल पर और 58% डीजल पर ले रहे हैं, टैक्स पर तो कुछ कमी कर सकते हैं, ऑल टाइम हाई है कीमतें, आम आदमी की जेब पर लग रहा है ना, कांग्रेस वाले खाली थोड़ी गाड़ी चलाते हैं। देखिए मुझे थोड़ा विस्तार से टाइम दीजिए, मैं जवाब दूंगा। पहली बात के देखिए, सबसे पहले समझना चाहिए जो इस तरह के जो क्राइसिस है, जो महामारी के, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 में, उसका जो इम्पैक्ट था उसका 3 times ज्यादा इम्पैक्ट इस बार है जो क्राइसिस का, इससे समझ में आ सकता है कि कितना बड़ा पूरे दुनिया में क्राइसिस है। जब ये कह रहे हैं कि पहले जो जीडीपी ग्रोथ जो है उसमें कंट्रैक्शन हुआ था, तो पूरे वर्ल्ड में कंट्रैक्शन हुआ था। जब ग्लोबल जीडीपी 3.7 से कंट्रैक्शन के बाद 2.9 हुआ, तो जाहिर इंडियन आइसोलेशन में थोड़ी काम करे, इंडियन इकोनॉमी भी कंट्रैक्शन होगा। लेकिन आप जब अभी बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, पीएमआई का डेटा के बारे में आप जब बोल रहे हैं, पर पीएमआई का डेटा जब अगर 50% से अबव है तो जाहिर है कि आपका एक्सपेंशन मोड में है इकोनॉमी, और उससे दिखता है कि आपको ग्रोथ बिल्कुल साफ दिखता है। साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि देखिए जो आप सेक्टर्स के बारे में बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें, तो इनके ही बार बार ये कोट करते रहते हैं सीएमआई का डेटा। हमने कभी कोट नहीं किया, लेकिन सीएमआई का डेटा ये कोट करते हैं, उसी सीएमआई का डेटा को मैं कोट करना चाहता हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं अभी। आप देखिए कि इसमें नवंबर में क्या था, आप दिखाइए दिसंबर में क्या है, और आप दिखाइए जनवरी के जो एक्सपेक्टेड नंबर्स है क्या है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पॉलिसी मेजर्स लिए हैं, जो सेक्टर्स नहीं खुल पाए थे, वो सेक्टर्स जब टूरिज्म सेक्टर, जहाँ पर सर्विसेज सेक्टर, जिसमें हमारे जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, 60% तो सर्विसेज सेक्टर में, जो एक्चुअल ग्रोथ जिसमें होना चाहिए वो मैन्युफैक्चरिंग में, जब पीएलआई स्कीम जो हमने के प्रोडक्शन इंसेंटिव वाली स्कीम लेकर है, उससे जितना बड़ा फायदा होगा, तो आपको कम से कम 1-2 crore तो व्हाइट कॉलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब हम उसी में क्रिएट कर पाएंगे। इसलिए कि जितनी सारी कंपनियों से हम इंगेज कर रहे हैं ग्लोबल, जफर इस्लाम जी माफी के साथ आपको टोक रहे हो, जॉब्स तब क्रिएट होती हैं जब उस सेक्टर में निवेश किया जाता है। एक सीधा सा सवाल है, निवेश के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अभी आपका जो फिजिकल डेफिसिट है वो लगातार बढ़ रहा है, फिजिकल डेफिसिट का गैप कैसे कम किया जाएगा? मैं बताता हूँ, देखिए बिल्कुल सही कहा, तीन तरह से निवेश हो सकता है। पहला है कि गवर्नमेंट जो है कैपेक्स करे, तो आप देखिए जो सरकार के पास वाकई डिफिकल्टीज है कि रेवेन्यू जो है आपका शॉर्टफॉल है, एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, महामारी के समय एक्सपेंडिचर बढ़ा। अगर बजट को सिर्फ लीजिए तो बजट का जो एक्सपेंडिचर साइड था 30.4 lakh crore था, लेकिन एक्चुअल जो कलेक्शन है बहुत कम हुआ, रेवेन्यू रिसीट जो हमने दिखाया था 20 lakh crore का उससे बहुत कम आया। लेकिन फिस्कल डेफिसिट यानी जो वित्तीय घाटा उसकी चिंता नहीं करेंगे, सरकार स्पेंडिंग बढ़ाएगी, आप ही ने कहा ना, सर्वे को पूरा कंप्लीट करो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देखिए फिस्कल रोड मैप सरकार जरूर देगी कि कितना फिस्कल डेफिसिट रहे। आज के टारगेट में अगर देखें जो 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 रेवेन्यू शॉर्टफॉल की वजह से मुझे लगता है कि 7% के आसपास होगा, 6% होगा जो सरकार आंकड़े देगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आप अगर सरकार का देखिए तो पिछले 5 साल का देखिए तो एवरेज जो है वेटेड एवरेज 1.7% ऑफ जीडीपी जो हमने कैपेक्स में लगाया है, इस बार हमको लगता है कि सरकार ज्यादा करेगी ताकि निवेश ज्यादा सरकार करे, दूसरी साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होने की संभावना है इसलिए कि, और तीसरे ग्लोबल एफडीआई जो है वो सबसे ज्यादा आ रहा है, और जो चाइना प्लस वन पॉलिसी के तहत मुझे लगता है जितनी कंपनियां इंडिया से अभी इंगेज हो रही है डिस्कशन कर रही है उसमें हमको एफडीआई और जो पीएलआई स्कीम के तहत बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इजाफा होगा, नौकरियां क्रिएट होंगी, तो इन्वेस्टमेंट सरकार भी ज्यादा करेगी, कैपेक्स मुझे लगता है 1.7% ऑफ जीडीपी से ज्यादा करेगी, जो 4 lakh crore पिछले साल था इस बार हो सकता है 5 lakh crore हो जाए, 6 lakh crore हो जाए, और दूसरे साथ जो है
हम इस पे जो प्राइवेट सेक्टर को हम इंसेंटिव जरूर देंगे। आपके दावों में कितना दम है? और सैयद जफर इस्लाम साहब, आप मुझे पता है आप इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह समझते हैं, आपको टाइम देंगे तो अभी आप एक घंटा तमाम आंकड़े बता देंगे, लेकिन इन सबसे आगे, अरे सुनिए सर, आगे की बात सुनिए, इस सबसे आगे लोग बार बार यही कह रहे हैं कि परिस्थितियां कब बेहतर होंगी। पिछली बार आपने अच्छे दिन क्या कहा था, इस बार आप उसको पूरी तरह से सन्नाटे में डाल चुके हैं, लेकिन इस बार की जो महामारी की मार थी उसके बाद से परिस्थितियां बेहतर होंगी या नहीं, आइए हम आपको बताएं। इस पूरे मॉल में अलग अलग हिस्सों में किस सेक्टर में क्या होगा, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे हमारे साथ। खाने पीने का इन्फ्लेशन, हम आपको होटल से भी लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे कि आपकी जो थाली है उसमें कीमतें बढ़ेंगी घटेंगी। हम आपको रिटेल सेक्टर में भी ले जाकर देखे आएंगे, हम आपको FMCG सेक्टर में भी दिखाएंगे कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है उनमें कीमतों में क्या बेहतरी या फिर कमी आएगी या महंगाई बढ़ सकती है, बहुत सारी चीजें लगातार नॉनस्टॉप कवरेज आप देखेंगे। 10:15 के आसपास कैबिनेट की बैठक होगी संसद में, जिसके अप्रूवल के बाद 11 निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करने वाली है। आइए अब आपको दिखाते हैं जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उनसे हमने बातचीत बीते दिन की थी, 11% की ये ग्रोथ जिसका प्रोजेक्शन किया जा रहा है, क्या ये मुमकिन है, क्या ये सचमुच होगा? उन्होंने कहा था कि बैटिंग की तरह अर्थव्यवस्था में हम रहेंगे, अगर स्विंग हो बॉल में तो पुजारा की तरह सेफली खेलेंगे और अगर स्विंग नहीं हो तो पंत की तरह। अब ये 11% वाले ग्रोथ रेट का दावा स्विंग है या विदाउट स्विंग है, देखिए क्या कहा उन्होंने, ये कहा है कि जब बॉल स्विंग हो तो हम खेले पुजारा की तरह और जब स्विंग नहीं हो तब हम खेले पंत की तरह। तो हमें यह बताइए कि जो 11% का ग्रोथ आप बता रहे हैं 21-22 में, ये स्विंग है या विदाउट स्विंग है? तो हमने ये जो उदाहरण था इसलिए बतलाया था कि जब पहले 5-6 महीने जब महामारी जब चल रही थी अनिश्चितता बहुत ज्यादा थी, तो उस समय जो है ध्यान से चलना होता है और पुजारा की तरह बैटिंग, भारत सरकार ने पुजारा की तरह की आवश्यकताओं पे ध्यान दिया, जैसे पुजारा अपना विकेट बचाना जो है आवश्यक समझते हैं, उसी तरह भारतीय सरकार ने लोगों का के लिए जो अनाज का जो 80 करोड़ लोगों के लिए फ्री अनाज दिया, मुफ्त अनाज दिया, वैसे ही कंपनियों के लिए जो ऋण है, इमरजेंसी क्रेडिट, लिक्विडिटी मेजर्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, ये सब दिए गए। उसके बाद जब अनलॉक फेज जब शुरू हुआ और अनिश्चितता कम हो गई और जो 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 रिस्ट्रिक्शंस थी इकोनॉमिक गतिविधियों में वो जब हटाए गए, तो तब भारत सरकार ने जो डिमांड पे और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे एक्चुअली ध्यान देना शुरू किया। जैसे कि आपने देखा होगा आत्मनिर्भर भारत 3 के पैकेज में एक वेज सब्सिडी प्रोग्राम लाया गया, 1% GDP के अनुपात में फिस्कल जो स्पेंडिंग है उसको और बढ़ाया गया। तो ये इसीलिए उदाहरण दी गई कि पहले जो 5-6 महीने जब अनिश्चितता थी तब पुजारा की तरह बैटिंग हुई और उसके बाद अभी पंत की तरह बैटिंग हो रही है। और जैसे प्रधानमंत्री साहब ने भी बताया कि जो पिछले इससे पहले जो आत्मनिर्भर भारत के 3 पैकेज आए वो एक मिनी बजट जैसे थे, तो यही है, 50 ओवर का एक सिलसिला चल रहा है। मेरे सवाल में भी एक स्विंग था सर, वो आप पकड़ नहीं पाए, मेरे सवाल में ये स्विंग था कि ये 11% रियलिस्टिक है या नहीं। इसमें भी जो क्रिकेट का उदाहरण है वो काफी उचित है, 36 पे ऑल आउट हो गई, वो एक्चुअली आपके 24% जो जैसी घटी थी उसके बराबर था, उसके बाद अगले टेस्ट मैच में जीता और जाके सीरीज जीते, तो वो वी शेप का जो ऊपर जो डायरेक्शन था वैसा ही भारतीय अर्थव्यवस्था का भी परफॉर्मेंस रहा है। और आगे चल के एक तो ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप यदि देखें तो जो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स कहते हैं, तो उसमें कुछ महीनों में करीब 7-8 साल में जैसी जो लेवल नहीं हुई थी वो इस बार हुई है जो अनलॉक फेस में। और इसके अलावा सर्विस सेक्टर में यदि देखें तो सर्विस सेक्टर के कुछ सेक्टर हैं जैसे कि ट्रैवल टूरिज्म जो कि कॉन्टैक्ट सेंसिटिव हैं, उनमें अभी भी मंदी है, लेकिन बाकी सेक्टर्स में काफी वृद्धि आई है और जो PMI रियलिस्टिक लग रहा है, ये तो मुझे जरूर मेरा विश्वास है कि 11% जरूर आएगा आगे साल में। मिडिल क्लास को थोड़ी राहत मिलेगी, थोड़ा पैसा बचेगा तो थोड़ा स्पेंडिंग ज्यादा करेगा, अल्टीमेटली इकोनॉमी को ही बूस्ट मिलेगा। ये जरूरी है इस समय एक्चुअली कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में, इनमें एक्चुअली काफी खर्च करे ताकि उससे जो है डिमांड आएगी, क्योंकि वैक्सीनेशन जब होगा वैक्सीनेशन से काफी डिमांड आएगा, क्योंकि लोगों में जो थोड़ा डर जो है अभी भी भय है कि यदि हम एक मसाज के लिए गए या फिर ट्रैवल में गए
तो उससे जो है हमें शायद हम कोविड लग जाएगा, तो वैक्सीनेशन जब होगी उससे ये डर कम हो जाएगा और बाकी जो इससे कोविड से पहले की जो हमारी जिंदगी थी वो एक्चुअली दोबारा वैसे ही शुरू हो जाएगी, तो उससे डिमांड अच्छा आएगा, उसी पे हमें ध्यान देना। अर्थशास्त्र के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए इस बार वैक्सीन क्या है? अर्थव्यवस्था, वही मैं कह रहा हूँ कि तो ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है। वही मैं कह रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था के लिए भी वैक्सीन है। क्यों? क्योंकि जब लोग वैक्सीनेट होंगे तो उससे जो है सर्विस सेक्टर में जो है मंदी है वो कम होगी, और भारत में करीब 60% जो आपकी कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर से आती है, तो इसीलिए वैक्सीन भी हेल्थ सेक्टर के लिए तो है ही, अर्थव्यवस्था के लिए भी वैक्सीन है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी हेल्थ केयर जो स्पेंडिंग है और रियल एस्टेट में जो एम्फेसिस है, ये भी और भिन्न तरह के वैक्सीन है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। तो देखा आपने, मुख्य आर्थिक सलाहकार सरकार की तरफ से खाका समझा रहे हैं। जो बड़ी बातें जिस पर उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन लगने के साथ ही गतिविधियां तेज होंगी और कई ऐसे सेक्टर्स जिसका जिक्र नेहा भी पहले कर रही थी, होटल है, टूरिज्म इंडस्ट्री, इन सब में आप देखेंगे कि गतिविधियां बढ़ेंगी और इस वक्त जब सरकार खर्च करेगी तो उसका डबल असर होगा, क्योंकि पिछली बार जब परिस्थितियां खराब थी तो सरकार ने 2% के आसपास ही स्पेंडिंग की थी। इस बार सरकार बजट में किस तरह की स्पेंडिंग करती है इस पर भी नजर होगी। बिल्कुल, और जफर इस्लाम जी अपने आंकड़ों के साथ मौजूद हैं, लगातार हमें बता रहे हैं कि कैसे वी शेप्ड रिकवरी आएगी और कैसे डबल डिजिट जो कि 8% ग्रोथ रेट बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, वो कैसे हासिल किया जाएगा। लेकिन बेजौन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कंज्यूमर्स मामले के जानकार हैं, सलाहकार हैं। ऐसे बेजौन जी, जो तर्क यहाँ पर जफर इस्लाम साहब दे रहे हैं उनसे आप पूरी तरीके से सहमत हैं या फिर ये मानते हैं कि वी शेप रिकवरी एक कठिन रास्ता, एक कांटों भरी राह होगी? नहीं, वह चुनौती तो रहेगा ही, ये नहीं कि बहुत आसान है, आप अचीव कर लेंगे। अब हम लोग जरूर उम्मीद करेंगे कि जाफर इस्लाम जी अपने पार्टियों को, अपने जो गवर्नेंस है उनको एक ऐसा एक अकाउंटेबल बनाएंगे कि उनको परफॉर्म करना अनिवार्य हो जाना चाहिए। यूसी, तो जो लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस की जो मतलब नारा रहा, तो वो अब एक रियली अपॉर्चुनिटी आ रहा है, सरकार के सामने एक अपॉर्चुनिटी है ये। जब एडवाइजरीज होते हैं, जब इस ढंग का एक बेढंग का एक चुनौती आ जाता है, तब वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग नॉट ओनली रिफॉर्म्स जो ला रहे हैं, यू नो, एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेबर सेक्टर में, सारे जो रिफॉर्म्स, आप कंज्यूमर अफेयर्स एक्सपर्ट है बिजोन जी, मुझे ये बताइए कि जो कंज्यूमर है वो कैसे खर्च करेगा, क्योंकि स्पेंडिंग से भी अर्थव्यवस्था में जान आनी है। अब उसकी पैसे जेब में पैसे रहेंगे तब वो स्पेंड करेगा। देखिए, क्या मिडिल क्लास के, क्योंकि ऐसे ही मॉल से आज हम शो भी कर रहे हैं। नहीं, हम आपको बता तो रहे हैं पैटर्न कैसे बदलेगा। पैटर्न ये है कि सरकार ऑलरेडी एक शुरुआत कर दिया है मिनिमम वेज को स्टेबलाइज करने के लिए, ताकि लोगों को और भी सही ढंग का तनख्वाह मिले उनके काम रोजगार का। वो तनख्वाह से वो कैसे सोशल सिक्योरिटी पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सके, पेंशन फंड, यू नो, ये सारी चीजों को देखा जा रहा है, कैसे उनको एक ऐसा एक भविष्य दिया जाए जो सिक्योर्ड हो। जैसे अभी अनएम्प्लॉयमेंट हुआ अचानक, वो अनएम्प्लॉयमेंट का कोई एक विकल्प नहीं रहा, तो अब उस विकल्प को लोग रखना चाह रहे हैं थ्रू द लेबर रिफॉर्म्स। लेबर रिफॉर्म्स में कई नया कोड ऑफ कंडक्ट ला रहे हैं वो लोग, यू नो, जिसपे यू नो निवेश के लिए, अनऑर्गेनाइज लेबर के लिए बहुत फोकस है। तो अब हम लोगों को देखना है कि जैसे यू नो रियल इस्टेट सेक्टर बहुत बढ़ना चाहिए, यू नो, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये लोग जो हाउसिंग फॉर ऑल जो उनका नारा है, यू नो, अफोर्डेबल हाउसिंग, आलोक जी से वो सारे जवाब लेंगे। हाउसिंग फॉर ऑल, निवेश बढ़ाया जाए, कंजम्पशन बढ़ाया जाए, खर्च लोग ज्यादा करें, लेकिन खर्च तो तभी करेंगे जब नौकरी होगी, खर्च तो तभी करेंगे जब उनके अकाउंट में पैसा होगा। और इस मॉल की अगर बात करें अंजना, कितनी ऐसी दुकानें हैं जो शट शॉप हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं। इसी के साथ इसी नोट पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आलोक जी का जवाब इस पर लेंगे, लेकिन देखते रहिए बजट बाजार, हमारी खास पेशकश GIP मॉल नोएडा से, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।